जयपुर के विश्वकर्मा स्थित लक्ष्मी नारायणपुरा में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मामले की सूचना मिलने पर विश्वकर्मा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां लगातार उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीर मानते हुए पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या ये पूरा मामला रहा? जी मनीषा, मैं बता दूं, ये दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर सुबह झगड़ा हुआ था जी, और झगड़े में मारपीट हुई थी जी। तो मारपीट के बाद में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए थे, और सूचना पाकर विश्वकर्मा पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से हॉस्पिटल भिजवा गया था जी। घायलों की हालत फिलहाल कैसी है? जी फिलहाल घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है जी। और क्या एक्शन लिया गया इस पूरे मामले पर? पुलिस ने दोनों तरफ से FIR दर्ज कर दोनों तरफ से मामला जांच शुरू कर दी है मामले की। जी अजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, खूनी संघर्ष यहां पर हुआ और कई लोग यहां पर घायल हुए। फिलहाल उनकी जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है।